बॉलीवुड में चल रही बायोपिक की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों के सामने आई है ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर की बहुचर्चित फिल्म सुपर 30। यह बिहार के ऐसे द्रोणाचार्य की कहानी है जिसने अर्जुन को नहीं एकलव्य को महान बनाया। बिहार के जीनियस गणितज्ञ और शिक्षक आनंद कुमार, जिन्होंने अपना खुशहाल करियर छोड़कर अपने प्यार को कुर्बान करके 30 ऐसे बच्चों को IIT के लिए पढ़ाया जो बिल्कुल ही साधन विहीन थे, यह फिल्म उनकी कहानी कहती है। अभिनय की बात करें तो भारतीय सिनेमा के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन को पहली बार इतने डी ग्लैम अवतार में पेश किया गया है, जिसमें ऋतिक पूरी तरह सफल रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं बिहारी भाषा में उनके उच्चारण में दोष नजर आता है, मगर उस दोष को अभिनय पूरी तरह से ढक देता है। मृणाल ठाकुर के पास रोल की ज्यादा लंबाई तो नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाले समय में बॉलीवुड उनके ऊपर बड़ा जुआ भी खेल सकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और लेखन भी अच्छा है, जो फिल्म को सफल बनाने में सहायक है। फिल्म अच्छी है, जिसे एक बार जरूर देखा जा सकता है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।